नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइव नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आज हम चल रहे हैं सूजी के नमकीन बनाने। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि सूजी को हमने आधे के जी यहाँ पर सूजी लिए हैं। तो सूजी जैसे आपका मोटे हो आप पतले हो तो उसको आप तभी भी मिक्सर में अच्छे से पहले पीस लीजिए। मिक्सर में पीसने के बाद से तभी अच्छे नमकीन बन पाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हमने ले लिए हैं। अब इसमें नमकीन में मिलाने के लिए हमने देख रहे हैं कि नमक लिए हैं। तो नमक इसमें लिए हैं एक चम्मच, छोटे चम्मच में खाने वाला नमक। यहाँ देख रहे हैं काले नमक है, एक चम्मच छोटे चम्मच से लिए हैं। चाट मसाला एक चम्मच इसको भी ले लिए हैं। चाट मसाला नहीं हो तो नींबू डाल सकते हैं इसके औजी पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक चम्मच लाल मिर्चा लिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक चम्मच छोटे चम्मच से मसाले लिए हैं गर्म। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमने ले लिए हैं। अब सबसे पहले सूजी को देख रहे हैं मिक्सर में हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको हम दो बार में पीसेंगे। अब इसको हम पीसने के लिए चल रहे हैं मिक्सर में। मिक्सर में अच्छे से हमने पीस लिए हैं इसको, बिल्कुल बारी हुए। अब इसको निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने पीस लिए हैं। तो अब अच्छे से इसको हम नमक मिलाएंगे इसमें। नमक इसमें थोड़ा कम मिलाना चाहिए क्योंकि हम नमक मसाले में भी मिलाएंगे इसमें। इसमें हम नमक मिला लिए हैं अच्छे से, अब इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक कप पानी लिए, थोड़ी थोड़ी पानी डालकर डो को तैयार करेंगे। इसमें जैसे देखते हैं कोई भी मोए वोंगे आपको नहीं देना है, बस केवल सूजी को इसी तरह से पानी डालकर आप जैसे डो तैयार करते हैं उसी तरह से इसको तैयार करना है डो। आपका जैसे डो जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा कड़ा हो तो इसमें पानी आप डालकर इसको नरम कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं सानना है। देखिए हम यहाँ पे सान के डो को तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जैसे दिख रहे हैं हाथ से भी दिखा रहे हैं कितने अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब बहुत चिकने डो तैयार हुआ है यहाँ पे। अब इस तरह से इसमें हम गोले करेंगे। पहले जैसे रोटी बनाने के लिए गोले हम बनाते हैं उस तरह से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से काट लें। तो इस तरह से हमने देख रहे हैं यहाँ पे पांच गोले बनाए हैं। और गोले को हमको बनाकर उसके बाद कॉटन के कपड़े से ढक देना है, जाकि हमारा गोला जो बनाए हम सूखे मत। तो यहाँ पे कॉटन के कपड़े से हमने ढक दिए हैं। यहाँ पे एक चौके लिए हैं, बेलन लिए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके गोले बनाकर हम इस पर इसको बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हम रोटी जैसे इसको बेल ले रहे हैं। पहले इस पर कोई आटे वटे नहीं लगाना, अपने आप ही बेलाता है इसको बेलेंगे जब। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हम बहुत अच्छे से इसको इसी तरह जैसे देख रहे हैं कि आरी का हम बेल लेंगे। मोटे हैं तो ज़्यादा पतले आपको नहीं बेलना है, थोड़े मोटे साइज में बेलना है इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बेला गया है बहुत अच्छे से। अब बेला गया है तो यहाँ पे हम इसको चाकू से काटेंगे। पहले यहाँ पे हमने चाकू लिए हैं तो इसको पतले पतले साइज में पहले हम काट लेंगे। इसको दबाते हुए काटना है एकदम नीचे से। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बेलकर हम इसको इसी तरह से काट लिए हैं। अब फिर हम बीच में से भी काट लेंगे इसी तरह से। तो इस तरह से देख रहे हैं काट लें इसको भी। तो थोड़ा पतले हो जा रहा है बीच में से देख रहे हैं। तो इसको आप त्रिकोणीय भी साइज में काट सकते हैं। अब यहाँ पे हमने काट लिए थे, इसको प्लेट में छुड़ा के रख ले रहे हैं।
ये बहुत आसानी से उकस जाता है, जैसे देख रहे हैं प्लेट में इसी तरह से हम रख दे रहे हैं। तो इधर दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि हम तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं पहले से। तेल जैसे ज़्यादा गर्म रहेगा तभी अच्छे से बनता है, फूलता भी है। अब इसी तरह से हम सारे काट लेंगे। तो अच्छे से हमारा देखिए कट गया है, तो सारे इसी तरह से हम बना लेंगे अब। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख रहे हैं। अब इस तरह से हम प्लेट में रख ले रहे हैं इसको। अब इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, अब चल रहे हैं इसको हम तलने के लिए। अब तेल में हम देखिए डाल रहे हैं इसको, देखिए बहुत अच्छे हमारा तेल गरम है। जब भी आपका तेल गरम रहेगा तभी ये अच्छे से बन पाता है। अब इसी तरह से इसको पकाएंगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहा है इसमें। ये जब फूलेगा आपका तो ऊपर आ जाता है। अब इसी तरह से इसको 2-3 मिनट हम पकाएंगे अच्छे से। अब देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए हमारा हो गया है, तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा से देखिए बन के तैयार हो गया, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको जैसे दोस्तों थोड़ा तेल सहित हमको निकालना है इसको, क्योंकि इसमें जब मसाले हम मिलाएंगे तो अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हम तेल सही देखिए निकाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जैसे शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए, बीच बीच में गैप करके नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से बहुत अच्छे है, देख रहे हैं कितने कुरकुरे हो गया है, नरम बहुत है। अब इस तरह से देख रहे हैं सारे हम बना लेंगे। अब इसको भी इसी तरह से हम छान के निकाल लेंगे। अब दोस्तों देख रहे हैं मसाले मिला, पहले चाट मसाले इसमें मिलाएंगे, काले नमक 1 चम्मच मसाला, अब इसमें लाल मिर्चा पाउडर, इन चारों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप जैसे देखते हैं मसाला भी नहीं डालना चाहते हैं, तो इसमें जीरा पाउडर मरीच को 1 चम्मच, नींबू इसमें डाल सकते हैं आप। नींबू को भी जैसे देखें मसाला मिलाए हैं, इसी मसाला मिलाते समय ऊपर से नींबू आप गाड़ दीजिए, तो ये नमकीन जैसे आपका है चटपटे बहुत अच्छे से रहता है। और इसको आप धनिया पत्ती भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इसमें। बाकी 1 महीने के लिए इस तरह से बना के रखेंगे तो पूरे 1 महीने तक चलेगा। और तुरंत आपको खाना है जैसे, तो आप नींबू इसमें या धनिया पत्ती मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बन गया नमकीन, अब बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।